नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। क्रिकेट के खेल में कई बार एक दूसरे को हराने का जुनून इतना बढ़ जाता है कि अक्सर खिलाड़ी अपना आपा खो देते हैं। हमने कई बार देखा है खिलाड़ी एक दूसरे से मैदान में भिड़ जाते हैं। इन दिनों कैरेबियाई प्रीमियर लीग खेली जा रही है, CPL का रोमांच इन दिनों जोरों पर है। कई हाई वोल्टेज मैच खेले जा रहे हैं। इस दौरान खिलाड़ियों के बीच भी मैदान पर वही पुराना एग्रेशन भी देखने को मिल रहा है। CPL के एक मैच के दौरान पाकिस्तानी बल्लेबाज ने गुस्से में ऐसी हरकत कर दी जिसकी अब सब तरफ आलोचना हो रही है। जमैका तलावाज और गुयाना अमेजोन वॉरियर्स के बीच खेले जा रहे मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज आसिफ अली ने गुस्से में अपने बल्ले को ऐसे घुमाया कि कीमोपॉल को लगने से बाल बाल बच गया। CPL में आसिफ अली जमैका की तरफ से और कीमोपॉल गुयाना की तरफ से खेल रहे थे। जमैका तलावा की बल्लेबाजी के दौरान 8वें ओवर पर यह घटना घटी। कीमोपॉल की गेंद पर क्रिस ग्रीन ने आसिफ अली का कैच लपट लिया। वो 6 गेंद में 3 रन बनाकर वापस पवेलियन लौटे। कीमोपॉल आसिफ का विकेट का जश्न मना रहे थे तभी दोनों खिलाड़ियों के बीच कुछ शब्दों का आदान प्रदान हुआ। इसके बाद आसिफ ने अपने बल्ले को कुछ इस तरीके से गुस्से से घुमाया कि वो कीमोपॉल के मुंह पर लगते लगते बचा। आसिफ के बल्ले से बचने के बाद कीमोपॉल पलटे लेकिन अली तब तक ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने के लिए निकल गए। अली को उनकी इस आक्रामक हरकत के लिए कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि इस मैच में जमैका तलावा ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुयाना अमेजोन वॉरियर्स ने 9 विकेट के नुकसान पर 108 रन बनाए। जवाब में जमैका ने 18 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 113 रन बनाकर मैच जीत लिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।